मुजफ्फरनगर नगरवासियों के लिए नई सौगात, लड़के एवं लड़कियों के लिए सनशाइन जिम फुल सैनिटाइज। हमारा पता है सनशाइन जिम, राजघाट रोड, टिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के काफिले की गाड़ियां हादसे का शिकार हो गईं। बैतूल के बाचा गांव से लौटते समय काफिले के आगे पीछे चल रहे चार वाहन आपस में टकरा गए। घटना में आमला विधायक योगेश पंडागरे की गाड़ी को प्रशासनिक वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी। विधायक की गाड़ी में सांसद डीडी उइके व डॉक्टर जयसिंह पूरे बैठे हुए थे। इस घटना में विधायक के गनमैन व निज सहायक को मामूली चोटें आई हैं। घटना स्थल कोतवाली थाना क्षेत्र के पारड़ चौकी के अंतर्गत आता है। बाचा गांव से लौटते वक्त हाईवे पर हादसा हुआ। विधायक योगेश पंडागरे मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ उनकी गाड़ी में बैठे हुए थे। सांसद डीडी उइके, डॉक्टर अरुण जयसिंह पूरे व गनमैन सहित निज सहायक जिस दूसरी गाड़ी में बैठे थे उसमें ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो पीछे से आ रहे प्रशासनिक अधिकारी की गाड़ी से उनकी टक्कर हो गई। इसमें गनमैन को सिर पर मामूली चोटें आई हैं, बाकी सभी लोग सुरक्षित बताए गए हैं। बता दें कि भारत सरकार में प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बैतूल में ONGC के CSR मद से बनने वाले किसान ट्रेनिंग भवन का भूमि पूजन करने पहुंचे थे। किस तरह से हादसा हो पाया और क्या कुछ अभी तक हो पाया है? एक्चुअल में गाड़ी में था ही नहीं, मंत्री जी आए थे उनके साथ जा रहा था। गाड़ी में मेरे मित्र अरुण जयसिंह पूरे थे, सांसद जी थे, अर्पण त्रिवेदी मेरे PA और ड्राइवर और गनमैन थे। सामने कोई गाड़ी थी तो इन्हें ब्रेक लगा के रोक दिया। पीछे से SDM साहब की गाड़ी आ रही थी, सांसद जी की गाड़ी को ओवरटेक करके पीछे डैश कर दिया है। बाकी किसी को अच्छी बात रही है कि किसी को ज़्यादा चोट लगी नहीं है। सांसद जी भी गाड़ी में थे, वो भी सुरक्षित है। गनमैन को थोड़ा सा गर्दन पे थोड़ा सा दर्द है, बाकी सभी लोगों किसी को गंभीर चोट नहीं है। अच्छी बात, काफिले के दौरान ये सारी घटना हुई है, काफिले में हुआ था ये। ऐसा लग रहा है सर कि अगर आप जैसे रहते गाड़ी में शायद हो सकता है कुछ आपको भी शारीरिक नुकसान हो सकता है। किस्मत अच्छी रही है कि किसी को भी कुछ नहीं लगा, तो अगर मैं होता तो शायद मैं भी उतना ही सुरक्षित होता। लेकिन गाड़ी को नुकसान हुआ है, गाड़ी तो ठीक हो जाएगी, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या लग रहा है सर, गलती किसकी है इसमें? ये तो एक्सीडेंट है, दुर्घटना है, कोई जानबूझ के क्या होता तो अपन बात करेगी गलती किसकी है। ये तो दुर्घटना तो अचानक होने वाली चीज़ें होती है, बस वैसी एक सामान्य दुर्घटना थी जिसमें किसी की कोई गलती नहीं है। इस मामले में कोई शिकायत कर रहे हैं सर? नहीं नहीं, इसमें मामले कोई शिकायत नहीं। सर ये आज केंद्रीय मंत्री का जो काफिला चल रहा था उसमें गाड़ी आपस में टकराई, क्या पूरा मामला है? नहीं, उस काफिले में नहीं टकराई है, जो उस काफिले में जो कारकेट था, कारकेट में जो स्पेसिफिक गाड़ियां थी, जो VIP कार थी, VIP की स्पेयर कार थी, VIP की जो BP कार थी और फॉलो पायलट थे, उसमें आपस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये अलग से जो माननीय विधायक जी की गाड़ी थी और SDM साहब की गाड़ी थी, तो उस गाड़ी का जो ब्रेकर के आसपास किसी के आसपास जो बांचा से कड़े गांव की तरफ आ रहे थे, तो रास्ते में कहीं ब्रेकर पे एकदम से ब्रेक मारने की वजह से पीछे से वो दोनों गाड़ियां कहीं साथ में आ रही होंगी, इस वजह से। बैतूल से महेश चंदेल, सागर TV न्यूज। सागर नगर वासियों के लिए नई सौगात, लड़के एवं लड़कियों के लिए सनशाइन जिम फुल सैनिटाइज। 5,000 स्क्वायर फीट एरिया के साथ सर्व सुविधा युक्त, सभी प्रकार की अत्याधुनिक मशीनों के साथ लग्जरी व्यवस्थाएं, स्टीम बाथ, सर्टिफाइड लेडीज एंड जेंट्स ट्रेनर, डाइट कैंटीन के साथ सागर में पहली बार सनशाइन जिम। आपके समय अनुसार सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक, कभी भी। हमारा पता है सनशाइन जिम, राजघाट रोड, टिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश।